बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने ये कायनात बनाई। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बनीगाला का एक ऐसा इलाका, इतना खूबसूरत और दिलकश इलाका शायद यहाँ बनीगाला के रहने वालों ने भी अभी तक ना देखा हो। मैं इस 10 साल हो गए बनीगाला रहते हुए, मैं इस पहाड़ी पर बहुत दफ़ा आया हूँ लेकिन इस साइड पर भी मैं इस तरफ नहीं आ सका पहाड़ी की इस तरफ। तो बहुत दिलकश नज़ारा है, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको भी दिखाऊँ और बनीगाला के वालों को दिखाऊँ, सारे पाकिस्तान सारी दुनिया को दिखाऊँ ये खूबसूरत इलाका। तो आइए आपको दिखाते हैं बनीगाला से बैरिया इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, मोड़ा नूर और दीगर इलाकों के दिलकश नज़ारे। ये हैं बनीगाला हिल्स। पेप्सी रोड बनीगाला से ऊपर की तरफ जाएं तो बिल्कुल टॉप पे जाके एक पहाड़ी आती है, उसके दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ से ये पहाड़ी, इस पहाड़ी में आप आ जाएंगे सामने मोड़ा नूर के इलाके, जिसके साथ आप सामने देख सकते हैं बैरिया इनक्लेव का इलाका। अभी थोड़ी धुंध है, किसी दिन बारिश के बाद मैं आपको नई वीडियो दिखाऊंगा यहाँ से बनाकर। बिल्कुल सामने ये पार्क व्यू सिटी है, अलीम खान साहब की पार्क व्यू सिटी, बड़ी अच्छी सोसाइटी बनाई उन्होंने। ये फिर बनीगाला की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ये इधर इससे आगे नीचे की तरफ बनीगाला की आबादी शुरू होती है। ये मुकामी लोगों ने जानवर रखे हैं यहाँ, साथ मोड़ा नूर गांव के में खेती बाड़ी लोग करते हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने जानवर रखे हैं। जानवर आपने रखे हैं जी। तो कितने जानवर हैं आपके पास? 30 हैं जी। तो किधर, इधर बनीगाला में रहते हो? नहीं, मोड़ा नूर पे। तो इनकी देखभाल कौन करता है? अम्मी। अच्छा, अम्मी और लोग देखते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मेरी कोशिश होती है मैं आपको बनीगाला के दिलकश नज़ारे दिखाऊं। बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बहुत सरसब्ज़ और शादाब इलाका है। यहाँ रहना एक ख्वाबों की दुनिया में रहने की तरह है। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके नीचे बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब खेत हैं, दरमियान में छोटी सी झील बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ लोग, ये खेत आप देख सकते हैं, सरसब्ज़ और शादाब खेत, ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, जानवर भी इन्होंने रखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। कभी आपको मौका मिले तो इस जन्नत नज़ीर इलाके का ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ आपको बहुत दिलकश और हसीन नज़ारे मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।